कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ बिंदास होंगे। फैमिली तो फैमिली जैसे त्यौहार तो चल ही रहे हैं, त्यौहारों की अभी मेरी ना थोड़ी सी सफाई नहीं हुई है। सफाई इस वजह से नहीं हुई है कि दो तीन दिन से का ना इतना सारा काम हो गया था कि बीच में हमको कहीं जाना पड़ गया था, तो उसकी वजह से हम लोग सफाई नहीं कर पाए हैं। और आज मैं इसका नंबर लगाऊँ ले रही हूँ सफाई करने का। और सफाई तो हर दिन हर रोज़ होती है, लेकिन क्या है ना, रचित मोटर बंद कर देना, टंकी भर ली है। हर रोज़ होती है सफाई तो, लेकिन वो है नहीं कि जो आजकल का जो मौसम चल रहा है उसमें ना जो मकड़ियाँ हैं वो जाले लगा लेती हैं। आपको घर की दशा तो दिखाई दे रही है, कोई वो नहीं है, ऐसे मैं देख सकते हो। कपड़े तो मेरे हर रोज़ ही सूखते हैं कमरे के अंदर, और अगर मैं बाहर सुखाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। आपने हमेशा ही कमरे के अंदर कपड़े देखे हैं। और अब मैं इसको ना झाड़ू लेकर ना इसके जो जाले होते हैं ना वो साफ करने वाली हूँ। और थोड़ी सी मेरी किचन भी गंदी हो रही है तो मैं किचन को भी साफ़ करूँगी, लेकिन अभी नहीं। पहले कमरे की और पहले जो बाहर दुकान की है ना उसकी उसमें पहले सफाई क्यों करूँगी, और उसके बाद मैं अपनी किचन का नंबर लूँगी। तो फैमिली चलती हूँ, अपनी झाड़ू लेकर लगती हूँ इसका पूरे कमरे के। इतना बड़ा बड़ा हर हफ्ते हर दो से तीन से चार दिन में मैं लगाती रहती हूँ, पर फिर भी ये मोटे मोटे जाले लग ही जाते हैं। और जाले कहाँ लगते हैं मैं आपको बता दूँ, जाले लगते हैं कि जैसे ये गाटर है नहीं, ये जो गाटर हैं इन गाटरों के ना कोने में लगते हैं, वहीं मकड़ी चढ़ जाती है। और मकड़ी जो ऐसी चलती है ना कहीं अपने इतना बड़ा बड़ा जाला लगा देती है। और कुछ तो मैंने जैसे सुबह में मैंने झाड़ू लगाई थी, जस्ट सुबह मॉर्निंग जो होता है उसमें बड़े बड़े जो दिखाई दिए थे तो वो तो मैंने तोड़ दिए थे, लेकिन अभी मैं फिर से लगाने वाली हूँ इसमें। तो फैमिली बने रहिए हमारे लास्ट तक ब्लॉग में, और आपके लिए हम इतना इतना मतलब अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। और प्लीज़ हमको सपोर्ट करना, और वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं क्यों, और प्लीज़ ऐसा मत करिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ वापस लौट के आ जाएं, और क्योंकि मेरा भी ना व्लॉग जो मैं बना रही हूँ वो लेट हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ नहीं रही हूँ। आप ये सोचते हैं कि वीडियो लेट सेट डालती है या दो दिन का एक दिन का गैप लग रहा है, वो एक तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया और फिर वीडियो बनाने का ना टाइम नहीं मिल पा रहा। जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं हर रोज़ हर रेगुलर वीडियो डालती हूँ, ऐसा नहीं है। पहले मुझे इतना टाइम मिल रहा था कि मैं हर रोज़ वीडियो डाल रही थी, और अब मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखो त्यौहार नवरात्रे चल रहे हैं, उसकी भी मेरी सफाई नहीं हुई है, बट जैसे जैसे ना कहीं कहीं मैंने सफाई कर दी थी। जैसे करते हैं ना हम, जिस घर की सफाई होती है वो अलग ही दिखता है, तो उस तरह से मेरी अभी सफाई नहीं हुई है कमरे की मतलब दुकान की भी, तो वही मैं आज करूँगी। और उसमें मुझे लग रहा है कि पूरा गंद मेरे गंदे हम हो जाएंगे, और हो ही जाते हैं इस सफाई में तो, क्योंकि अब दो दिन से पंखा चलना कम हुआ है थोड़ा सा दिन में, और रात को तो चलता ही क्योंकि अगर गेट को लगाकर सोते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत लगते हैं आजकल, तो उसका एक अगरबत्ती लगा के रामबाण जिसे बोलते हैं उसको लगाकर सो जाते हैं, तो चैन से सोने देते हैं गेट को बंद करके पंखा चला करके और हल्की चद्दर लेकर, दो दिन से तो राहत मिल रही है, और नहीं वरना तो यही होता है। और चलो फैमिली मिलते हैं नेक्स्ट। क्या हुआ नहीं? और अभी ना देख सकते हो कि देखो आपको मैं दिखा दूँ पूरी तरह से, देखो
और जब मैं इस दुकान की सफाई करने लगती हूँ ना, क्या कर रहा है रे? तो दौड़ क्यों रहे हो फिर? जब मैं इस दुकान की सफाई करने लगती हूँ ना, तो मेरे साथ ना हेल्प मेरे बच्चे भी करते हैं, और मैं मितांश के जब पापा होते हैं ना, अक्सर इस दुकान को मैं तभी छेड़ती हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान है, कुछ सामान हटाने में भी हेल्प कर देते हैं और लगा भी देते हैं हम साथ के साथ। तो ये इतना सारा सामान है तो एक साथ नहीं होगा, तब वो रहेंगे उसी टाइम मैं इसको हटाऊंगी सामानों को बस। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से अभी मेरे घर का रूटीन बिगड़ा हुआ है, और कमरे का भी दिखा देती हूँ आपको क्योंकि अभी फिर से समगाना है मुझे। आप देख सकते हो क्योंकि कपड़े सूखे हैं ना, तो कपड़े पड़े हैं, उनकी गई लगानी है पहले, तब मुझे सफाई करनी है। हाँ तो फैमिली, मैंने ना कपड़े उतार के रख लिए हैं, और उतारने के बाद ना इनकी गई लगानी है, तो मिलती हूँ थोड़े नेक्स्ट। तो फैमिली, मैंने अपना हुलिया चेंज करके ना, अब देखो झाड़ू पर नंबर ले लिया है, क्योंकि जो ऊपर से झाड़ू लगाऊंगी ना तो पूरा चेहरे पे आता है, फिर आँखों में भी गिरते हैं गंद। तो पूरी तरह से मैंने ना अपने को कवर करके ना ऐसे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, दीवार और गाटर पटिया पर, सारे मतलब रूम छत पर, और बहुत सारा नन्ना नन्ना सा निकलने लगा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ कर तो इतना भयंकर चेहरे पे गिर रहा है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ से तो फूल चुका है ये हिस्सा। तो आप देख सकते हो कमरे की कमरे का मैंने झाड़ू लगा करना, थोड़ा ये टीन में आ गई हूँ मैं, टीन पर झाड़ू, इनमें भी मकड़ियों ने ना छोटे छोटे जाले लगा रखे हैं, तो वो ही मेरे को जाले साफ करने हैं इधर के। और ये जो बहुत जो काला काला टीन दिख रहा है ना, बहुत पुराना टीन है ये, जब इसको बनाया तो ये ऐसे ही पलट कर रख दिया था इन टीनों को, तो वही और मितांश भी है मेरे साथ में, लगा है वो नीचे झाड़ू लगाने के लिए फर्श पर, और हर रोज़ इन जालों को निकाल देती हूँ, और पता नहीं जाने क्यों कहाँ से आती हैं इतनी सारी मकड़ी, और फिर से इतना बड़ा बड़ा जाला हर जगह लगा देती हैं, मतलब। और इनका तो यहाँ तो मैं हर रोज़ सही झाड़ू का ना फेरती रहती हूँ, ताकि नहीं, क्योंकि यहाँ कपड़ा सुखाती हूँ ना, तो कपड़ों में ऐसे जाले लगा देती हैं एक एक तार के जैसा। तो अभी फैमिली में लगी हूँ थोड़ा अपनी इस घर की साफ़ सफाई में, तो मैं और आज के ब्लॉग में फैमिली इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और फैमिली, अगर आगे का नेक्स्ट मैं डालूँगी तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट मिलूँगी, बाय बाय।